हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिक कंसेप्ट, उसके अलावा हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिफरेंट डिग्रीज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस किया था। इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी इलास्टिसिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी को एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं। इस हेडिंग को देखकर अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसी टाइप के हेडिंग हमने एक लॉ थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर भी पढ़ा था। वहां पर हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है, वो वाले फैक्टर्स जो आपकी स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। और एक बार रिकॉल करा दो, उसमें क्या होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स जिसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों आती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जिसको हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन अल्टीमेटली बोलते थे। बट यहां पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं हेडिंग, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो होता है हमारी जो भी क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस ये जो फैक्टर्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये फैक्टर्स आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री को डिटरमाइन करेंगे। अब साहब डिग्री क्या, वैसे तो डिग्री में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, डिग्री से रिलेटेड मेरा एक डेडिकेटेड लेक्चर है, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। नीचे प्ले लिस्ट में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक आ रही होगी, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एनीवे, अगर मैं डिग्रीज के बारे में बात करूं तो हमारे पास टोटल 5 डिग्रीज होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और जो मैंने इसको ग्राफिकली भी आपको रिप्रेजेंट करके बताया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ये 5 डिग्रीज होती है, ठीक है, जिनका ग्राफिकली इस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट डिग्री होती है हमारी ED इज इक्वल्स टू 1, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। और सेकंड डिग्री होती है ED इज इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। एक होती है हमारी ED इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और उसके बाद ED इज लेसर देन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, हाईली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, और ED इज ग्रेटर देन द हाईली इलास्टिक डिमांड। ये 5 हमारी डिग्रीज अल्टीमेटली होती है। मींस एनी पॉइंट बिलो दिस पॉइंट इज व्हाट, इलास्टिक डिमांड, और उसके ऊपर के पॉइंट जो होते हैं वो इन इलास्टिक डिमांड एक्चुअली एक्सप्रेस करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, फाइन। चलिए जी, ये तो हुआ। अब एक्चुअली ये जो रीजन है, ये इसके ऊपर का रीजन, ये इन इलास्टिक को रिप्रेजेंट करता है। मींस इन इलास्टिक का मीनिंग ये होगा कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है। और ये जो रीजन है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इलास्टिक डिमांड। मींस थोड़ी सी प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर बहुत ज्यादा अल्टीमेटली चेंज आ जाता है। जैसे लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहूं, ये मेरा प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड है 100 रुपए पर 10 यूनिट हम परचेस कर रहे थे, और लेट सपोज 150 पर हम 8 यूनिट्स परचेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक, फाइन। तो ये हो जाएगा मेरा 50, ये हो जाएगा मेरा 2, तो ठीक है, परसेंटेज चेंज कितना होगा इसमें, 50/100 × 100 इज इक्वल्स टू 50%, और इसमें परसेंटेज क्या होगा, 2/10 × 100 इज इक्वल्स टू व्हाट, 20%। तो ये हो जाएगा 20/50 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.4। अब ये 0.4 आया, मींस लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें अगर आपने फॉर्मूले से पहले इस टेबल में देखा होगा तो आप देखें इसके अंदर, ये यहीं से देखें ना कि आपकी प्राइस में 50% का चेंज आ रहा है और आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में सिर्फ 20% का चेंज आ रहा है। मींस यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर प्राइस के चेंज होने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट एक्चुअली नहीं पड़ता, ये कहलाती हमारी इन इलास्टिक डिमांड। और अगर बाय चांस ये आपका ऐसा हो जाता कि अगर ये 2 हो जाता लेट सपोज, तो यहां पर कितने परसेंट का चेंज हो जाता, 80% का। मींस प्राइस सिर्फ 50% से चेंज हुई और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 80% से चेंज हो गई, मींस रिस्पॉन्सिवनेस बहुत हाई है। थोड़ी सी भी प्राइस के अंदर अगर फ्लक्चुएशन आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज्यादा से चेंज होगी।
तो याद रखिए इसमें सिंपल सा फंडा है कि अगर आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी इलास्टिक डिमांड, ठीक है? और व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये कहलाएगी हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फाइन। और व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेसर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये कहलाएगी हमारी इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, फाइन। ये हमारी तीन टाइप की डिमांड्स एक्चुअली होती है इसमें, फाइन। चलो जी, ये तो हुआ। अब देखिए, मैं आपको एक चीज फटाफट बता दूं ताकि मुझे बाद में इसको एक्सप्लेन करना कंपैरेटिवली इजी हो जाए। देखिए, हमारे पास नॉर्मली तीन टाइप की गुड्स एक्चुअली चलती हैं, ठीक है। एक तो होती है हमारी बेसिक नेसेसिटी की आइटम, ठीक है, नेसेसिटीज होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी कौन सी, कंफर्ट्स, और एक होती है लग्जरीज, ठीक है। ये लग्जरीज या आप उसको बोलें कि जो जब बंदा एक अच्छा, जैसे आपने मैस्लोज नीड हायरार्की अगर पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जब बंदा अपनी पूरी नीड्स पूरी कर लेता है तो वो स्टेटस नीड्स की तरफ जाता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ जब आप अच्छा कमाने लगते हो तो जो लग्जरीज की तरफ आप जाते हैं, नेसेसिटीज, ये बिल्कुल नेसेसिटीज है। तो जो भी नेसेसिटी वाली आइटम होंगी उनकी डिमांड हमेशा क्या होगी, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब प्राइस के ज्यादा चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं होगा, ओके, फाइन। और अगर कंफर्ट्स होंगी तो इसकी यूनिटरी इलास्टिक के नियर टू द यूनिटरी होगी, वन या उसके आसपास ही होगा। मींस यहां पर जैसा प्राइस का चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंगली कंज्यूमर जो होगा वो क्वांटिटी डिमांडेड के लिए रिस्पॉन्ड करेगा। और लग्जरीज के अंदर इलास्टिक डिमांड होती है, इलास्टिक डिमांड, क्योंकि लग्जरीज आपके सर्वाइवल के लिए नहीं होती, ठीक है। सर्वाइवल जो होता है वो नेसेसिटीज से होता है, और नेसेसिटी की आइटम के ऊपर प्राइस के चेंज होने से उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो आपने कंज्यूम करना ही है, फाइन। और लग्जरी आइटम जो होती हैं, ये आपके लिए सिर्फ एक तरह से आपके स्टेटस को बताने के लिए, आपके स्टेट मतलब नेसेसरी आइटम्स नहीं होती। तो यहां पर इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है, थोड़ी सी भी प्राइस चेंज होगी तो बंदा बोलेगा मेरे लिए तो रिक्वायरमेंट की चीज ही नहीं है, मैं इसको क्या करता हूँ, लेट गो कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो थोड़ी प्राइस चेंज होगी तो उस वजह से उसमें क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंजेस एक्चुअली आते हैं। तो ये हमारा बेसिकली इसके अंदर चलता है। एनीवे, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, अब हम उन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। ये याद रखिए, कहां नेसेसिटीज आइटम की इलास्टिक, कंफर्ट की यूनिटरी इलास्टिक, और लग्जरीज की इलास्टिक डिमांड एक्चुअली होती है। अब हम उन पॉइंट्स के ऊपर बात करें जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर होता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक, हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी कमोडिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, तो उसकी डिमांड हमेशा क्या होगी, इलास्टिक होगी, ठीक है। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो क्या होगा, उसकी डिमांड हमेशा क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी, मींस मोर देन वन। और अगर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इज देयर, मींस क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आपको पता है, बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं, टी और कॉफी हुआ, ठीक है, कोक और पेप्सी हुआ, तो ये सारी चीजें जो होती हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट की तरह काम करती हैं। अब अगर बाय चांस मान लें कि कॉफी, अगर मान टी की प्राइसेस अगर बढ़ गई, ठीक है, तो अगर टी की प्राइसेस बढ़ेंगी, अच्छा जब टी की प्राइस बढ़ा रहा हूं तो कॉफी की प्राइस को मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा सेटरिस पेरिबस के कॉन्सेप्ट से। तो अगर टी की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है और कॉफी की प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो अब टी जो है वो रिलेटिवली ज्यादा कॉस्टलियर एक्चुअली हो जाएगी। तो जो कंज्यूमर्स होंगे वो बोलेंगे भाई नहीं परचेस करना, हम कॉफी से काम चला लेंगे, फाइन। तो ये जब आपके पास कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा और उसकी प्राइसेस के अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंज, क्लोज सब्स्टिट्यूट बोल रही इसी रहा हूं कि उसकी प्राइसेस में बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होगा, तो ऐसी जगह पर जो आपकी इलास्टिसिटी होगी वो बहुत हाई होगी, मींस बंदे का रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा हाई होगा। थोड़ी सी भी प्राइस चेंज हुई तो फट से टी से कॉफी की तरफ क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्या होगी, इलास्टिक होगी, मींस मोर देन वन होगी। और अगर किसी कमोडिटी का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचता, वहां पर क्या होगी, इन इलास्टिक डिमांड होगी। गिफन गुड्स वाले टॉपिक के अंदर में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कोई बेसिक नेसेसिटी की आइटम या कोई ऐसी आइटम जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है
ऑल्टरनेटिव आपके पास नहीं है, आपको चाहते हुए भी उससे रिलेटेड कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, हमारा इनइलास्टिक होगा। तो जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक डिमांड होगी, मींस बंदे का रिस्पॉन्सिवनेस प्राइस के साथ बहुत ज्यादा होगा, और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होगा, प्राइस बढ़ भी जाएगी तो बंदा फिर क्या करेगा, उस कमोडिटी का कंजम्पशन कम नहीं करेगा क्योंकि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट एक्चुअली उसके पास नहीं है। इसमें सेकेंड पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर की जो इनकम होती है जिसको वाई बोलते हैं, ये बेसिकली हमारी क्या होगी। अब देखिए इसके अंदर भी हमारे पास थ्री पॉइंट्स हैं। अगर एक तो ये होगा इंसान के एक हाई इनकम ग्रुप का होगा, मींस अच्छी कमाई है उसकी और बहुत अच्छा रिच बंदा है, रिसोर्सेस उसके पास अवेलेबल है, वो हाई इनकम ग्रुप का बंदा है। और एक जो होगा बंदा लो इनकम ग्रुप का होगा, और एक हम बोले मिडिल क्लास या मॉडरेट इनकम ग्रुप का हम उसको बोल सकते हैं। ठीक, फाइन। लो इनकम ग्रुप जो बहुत ही ज्यादा जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे, वो लोग लो इनकम ग्रुप के अंदर आते हैं। उसमें भी बहुत सारे तो बहुत लो वेज अर्नर्स एक्चुअली उसमें होते हैं। ठीक, फाइन। अब आप याद रखिएगा कि जो हाई इनकम ग्रुप है, ठीक है, इसका याद रखें, तो इस हाई इनकम ग्रुप के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो हमेशा क्या रहेगी, इन इलास्टिक। क्यों? क्योंकि भाई देखिए यहां तो एक्सप्लेन करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है कि वो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके पास इतने रिसोर्सेस हैं कि उनको प्राइस राइज चेंज होने से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। ठीक है, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ भी जाएगी तो उनके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। देखिए छोटी मोटी चीजों की प्राइसेस में अगर चेंज आ जाता है तो वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इंसान की फैमिली बजट के ऊपर इंपैक्ट डालता है, रिच क्लास इंडिविजुअल्स के ऊपर कभी वो इंपैक्ट नहीं डालेगा, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो फर्क पड़ता है किसके ऊपर, मिडिल क्लास के बंदे पर या लोअर मिडिल क्लास के बंदे पर। ठीक है, तो ये यहां तो हमें समझ में आता है बिकॉज रिसोर्सेस आर हाई। अच्छा, लो इनकम ग्रुप के अंदर भी अब देखिए ये लोग तो क्या होते हैं, सारी चीजों को अवेल करते हैं। किनको अवेल करेंगे, नेसेसिटीज तो इनको मिल ही रही है, ठीक है, कंफर्ट्स भी सारे उठा रहे हैं और लग्जरीज भी इनके पास सारी हैं। तो इनके लिए नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरीज में से किसी की भी प्राइस के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मींस इनके लिए डिमांड इनइलास्टिक है। अब आइए हम लो इनकम ग्रुप या लो वेज अर्नर्स पे, तो लो वेज अर्नर्स के साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनके लिए घूम फिर कर सिर्फ एक ही चीज है, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स और लग्जरीज के बारे में तो ये बेचारे सोच भी नहीं सकते। तो मींस घूम फिर कर बस इनकी एक ही डिमांड है, दैट इज व्हाट, नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, और इसी के लिए इसी को वो अपना पर्सनल बेसिक सर्वाइवल बोलते हैं। उसमें से भी ये मेजॉरिटी जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो अपने फूड आइटम्स के ऊपर करते हैं। हो सकता है मकान कहीं किराए पर ले रहा हो, कपड़े बेचारा किसको पुराने पहन रहा हो या किसी ने दे दिए हो पहन सकता है, लेकिन फूड आइटम, बिना फूड के तो काम एक्चुअली चल ही नहीं सकता। फाइन, तो कहने का मीनिंग ये कि इनके लिए सिर्फ नेसेसिटीज वाली आइटम होती है। तो अगर इनके लिए नेसेसिटी वाली आइटम है तो इस नेसेसिटी में भी इन इलास्टिक डिमांड ही होगी। गिफन गुड्स का मेरा लेक्चर है, आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बताया था गिफन गुड्स हाईली इंफीरियर गुड्स होती है जो बेसिक नेसेसिटी की होती है, और वहां पर बंदा जो क्या बोलते हैं उसमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। ठीक, क्या रहेगा उसमें, प्राइस अगर इंक्रीज और पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट होगा, प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी अल्टीमेटली बढ़ जाती है। तो ये बहुत लो जो बोलते हैं हाईली इंफीरियर गुड्स से रिलेटेड है। अब आ गए साहब मॉडरेट, तो मॉडरेट वाले जो होगी इनकी जो डिमांड होगी वो हमेशा क्या रहेगी, इलास्टिक। ये वो लोग हैं जो नेसेसिटीज के ऊपर खर्च करते हैं और कुछ खर्च किसके ऊपर करते हैं, कंफर्ट्स पे, लग्जरीज इनकी किस्मत में भी मैसर नहीं होती। फाइन, तो ये नेसेसिटीज और कंफर्ट्स की बात करते हैं, तो नेसेसिटीज और कंफर्ट्स के ऊपर, कंफर्ट वाली आइटम के ऊपर इनकी डिमांड इलास्टिक होती है। उनको लगता है कि भाई अभी मेरे काम की चीज नहीं है, तो मैं अगर इसकी प्राइस बढ़ गई है तो मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ दूंगा, इसका त्याग कर दूंगा। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है कि ये इनइलास्टिक और इनइलास्टिक का कंसेप्ट इनकम के अकॉर्डिंगली एक्चुअली ऐसे चेंज होता है। इसमें थर्ड पॉइंट है टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड अपने आप में इनकम्प्लीट से हेडिंग है, इसको हम बोले टाइम पीरियड टू फाइंड आउट द क्लोज सब्स्टिट्यूट, टू फाइंड आउट सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली हेडिंग है। अब टाइम पीरियड का मीनिंग होगा, देखिए होता क्या है, कभी आप अगर मान लें कि कोई एक्स कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर बाई चांस इसकी प्राइस के अंदर कोई इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, फाइन, अब आप इसका नेचुरली कोई भी बंदा होगा तो एज अ रैशनल कंज्यूमर वो क्या करेगा, इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट ढूंढेगा कि भाई इसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स है या नहीं है। ठीक है,
अगर देखिए, अगर इसका सब्स्टिट्यूट आपको रेडीली अवेलेबल है और उसको ढूंढने में आपको टाइम कम लगता है, आप शॉप पर गए, इसकी प्राइस बढ़ गई, आपने कहा कि भाई साहब इसका कोई सब्स्टिट्यूट दे दे, तो उसने बोला ठीक है सर ये लेकर चले जाएं, तो अगर इतना कम टाइम में, मींस शॉर्ट रन, इसको हम बोलते हैं ना, आगे के चैप्टर में आएगा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, तो शॉर्ट रन के अंदर अगर आपको क्लोज सब्स्टिट्यूट ढूंढने में टाइम कम लगता है, तो इस केस में ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जो होगी वो हाईली इलास्टिक होगी। और बाय चांस मान लें कि आपका उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा, यहीं पर ही आप ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा बाय चांस, और उसको ढूंढने में टाइम लगता है, या उसकी डिलीवरी में टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा लगता है, या आप बाहर से कहीं से मंगवाते हैं, मींस कहने का मीनिंग ये कि हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं लॉन्ग रन में, तो उस कंडीशन में हमारी जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि जब तक इसका सब्स्टिट्यूट आपको अवेलेबल नहीं होगा, तब तक आपको उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से काम चलाना पड़ेगा, भले उसको उसके लिए आपको क्या करना पड़े, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़े। तो ये अगर टाइम पीरियड शॉर्ट रन है, क्लोज सब्स्टिट्यूट ढूंढने का इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो डिमांड इलास्टिक होगी, ये जो मैंने आपको बताया था क्लोज सब्स्टिट्यूट। और अगर टाइम पीरियड ज्यादा है क्लोज सब्स्टिट्यूट को ढूंढने का या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ढूंढने का, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका इनइलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ, ये होता है नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज। ये तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूं, नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज के अंदर जो नेसेसिटी वाली आइटम्स हैं, ठीक है, नेसेसिटी वाली आइटम की जो डिमांड होगी, जिसे मैंने अभी आपको बताया ना कि नेसेसिटी, मैंने अभी की स्टार्टिंग में ही ये बताया आपको, नेसेसिटी कंफर्ट्स एंड व्हाट लग्जरीज। ठीक है, तो नेसेसिटी वाली आइटम्स की डिमांड हमेशा क्या होगी, इन इलास्टिक डिमांड होगी, कंफर्ट की नियर टू द यूनिटरी इलास्टिक होगी, मींस रिस्पॉन्सिवनेस नियर प्राइस के इक्विवेलेंटी होगा, और लग्जरीज की जो होगी ये हमेशा क्या रहेगी, इलास्टिक डिमांड, क्योंकि लग्जरीज तो बंदा, कोई भी बंदा होता समझता है कि भैया मेरे लिए बेसिक सर्वाइवल की आइटम एक्चुअली नहीं है, तो ये नेसेसिटीज कंफर्ट्स एंड लग्जरीज को मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया था, और एक पॉइंट हमारा इसके अंदर बढ़ जाएगा। हमारा फिफ्थ पॉइंट है नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी। इसका मीनिंग ये होगा कि आप जो कमोडिटी ले रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसके कितने यूजेस हैं, अल्टरनेटिव यूजेस की बात करो, और इसके अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल मिल्क का होता है। मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, मिल्क को हम डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं, मिल्क का हम पनीर भी बना सकते हैं, चीज भी बन सकता है, आइसक्रीम भी बन सकती है, और न मालूम क्या क्या चीजें मिल्क से हम अल्टीमेटली बनाते हैं। तो देखिए, अगर बाय चांस इसमें ऐसा होता है कि नंबर ऑफ यूजेस, मोर नंबर ऑफ यूजेस होंगे, मींस एक कमोडिटी से बहुत सारी चीजें और बहुत सारी जगहों पर हम उसको यूज कर सकते हैं, तो उसकी जो डिमांड होगी वो क्या रहेगी, इलास्टिक डिमांड होगी। बंदा क्या करेगा, जो सबसे बेटर यूज होगा वो उसको क्या करेगा, वो यूज कर लेगा, और अगर लेस नंबर ऑफ यूजेस है, मींस उसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में जो डिमांड होगी दैट विल बी इन इलास्टिक डिमांड। मींस इन इलास्टिक डिमांड का मतलब होगा कि उसके प्राइस चेंज होने से बंदा उसके कंजम्पशन को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई दूसरे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं होते। सिक्स पॉइंट है इसमें, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गिवन कमोडिटी। ठीक है जी, देखिए आप एक्चुअली क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गिवन कमोडिटी, अब यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस तो अपने आप में जो है वो सो है, लेकिन उसका परचेस करना नहीं करना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। हमारे पास दो टाइप की चीज़ें होती हैं, जिसमें बहुत, एक तो ये होता है कि बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती हैं जिन पर हमारी इनकम का लार्जर प्रोपोर्शन जो है वो स्पेंड करते हैं, लार्जर प्रोपोर्शन आपकी इनकम का स्पेंड करते हैं, और एक स्मॉलर प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं। अब स्मॉलर प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं, जैसे हम बोले कि हमारे घर में यूज होने वाला टूथपेस्ट, ठीक है, उसके अलावा टूथब्रश होगा, बिसाइड्स आपका जो सोप होगा, टैल्कम पाउडर होगा, ये सारी चीजें जो होंगी ये आपकी इनकम का एक छोटा पार्ट एक्चुअली इसके ऊपर स्पेंड होता है, हाँ अगर लग्जरीज ना हो तो। ठीक है, और दूसरी चीजें जैसे आपके, अगर हम बात करें लार्जर अमाउंट किसके ऊपर स्पेंड होता है, जैसे आपके शूज हुए, क्लोथिंग हुई, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर आपकी इनकम का लार्जर अमाउंट, क्योंकि महंगी होती है तो लार्जर अमाउंट इसके ऊपर स्पेंड होता है। तो इस केस में जिन पर लार्जर अमाउंट स्पेंड होता है वो होती है हमारी इलास्टिक डिमांड, मीन्स उसके प्राइस के चेंज होने से हम फट से रिस्पॉन्ड करेंगे और उन चीज को परचेस करना कम कर देंगे। और ये तो क्योंकि हमारी फिर हुई बात आ गई नेसेसिटीज की आइटम है, तो इनकी डिमांड जो होगी ये हमेशा क्या रहेगी, इन इलास्टिक डिमांड। सेवन पॉइंट है हमारा पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। ठीक है, हम इस स्पेसिफिक कमोडिटी के यूज को कितने टाइम तक टाल सकते हैं। ठीक है,
देखिए किसी भी कमोडिटी का यूज का टालना इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके यूज को टाल नहीं सकते, जैसे कोई स्पेसिफिक मेडिसिन हुई, कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, डायबिटीज का पेशेंट है, उसकी इंसुलिन या कोई दूसरी मेडिसिन है, तो वो उसको टाल नहीं सकता। ब्लड प्रेशर के बंदे को दिन में एक या दो जो मेडिसिन लेनी है वो तो उसको लेनी ही लेनी है। डायबिटीज के बंदे को खाने से पहले इंसुलिन या जो भी वो ट्रीटमेंट लेता है वो तो उसको लेना ही लेना है, मीन्स उसको वो पोस्टपोन नहीं कर सकता। तो जब पोस्टपोनमेंट पॉसिबल नहीं हो, नो पोस्टपोनमेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारी इन इलास्टिक डिमांड होगी। और अगर पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है, आप उसको टाल सकते हो, तो उस कंडीशन में हमारी इलास्टिक डिमांड होगी कि भाई अभी तो मुझे इसका यूज है ही नहीं और मैं इसके यूज को टाल सकता हूं, उसके बिना भी मेरा अल्टीमेटली काम चल रहा है, तो उस कंडीशन में जो डिमांड होगी वो हमारी इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, जैसे अगर आपने बहुत सारे आपके पास, अगर कोई इंसान के पास, किसी के पास फोन है और थोड़ा बहुत उसके अंदर प्रॉब्लम आने लगी, तो बोलता है कि यार अभी मुझे इसकी कोई ऐसी नए फोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा काम इससे चल रहा है, हाँ रैम या उसकी जो भी मेमोरी है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं काम उसको अल्टीमेटली चला लेता हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इसको आगे टाल सकता हूँ। लेकिन अगर बिल्कुल टूट ही गया और अब आप उसको बिल्कुल आपकी उसकी स्क्रीन ही नहीं दिख रही और दूसरे मतलब मिस वो अब फंक्शन करना ही बिल्कुल बंद कर दिया, अब आप उसके यूज को और ज्यादा टाल नहीं सकते, तो उस कंडीशन में फिर इनइलास्टिक डिमांड होगी, मीन्स महंगे के ऊपर भी आप उसको परचेस करेंगे। और मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मेडिसिन का दिया, या कोई ऐसी चीज जो खाने की है जिसका यूज आप अल्टीमेटली ज्यादा टाइम तक टाल नहीं सकते, तो उसकी जो डिमांड होगी दैट विल बी व्हाट, इनइलास्टिक डिमांड। तो ये हमारे पॉइंट्स थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको ये क्लियर होंगे। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जब चाहे पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा मैं पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी एकेडमी। थैंक यू।